हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने काली माँ के ब्लेसिंग्स लेके आया हूं। रोज सुबह या फिर दिन के टाइम पे ये रूटीन में क्यों लेके आता हूं? डेफिनेटली कि एवरी डे आपको मिल जाता है माँ के आशीर्वाद। एंड सिमिलरली अगर आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो तो यहाँ पे आपको एक ओवरऑल स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस मिल जाते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए ये रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इसी वक्त आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। और लास्ट एक चीज, ये जनरल रीडिंग है तो जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारे चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ओम प्रीत दक्षिणा काली के नमो काली काली महाकाली काली के पापा हरि धर्म मुख्य देवी नारायणी नमस्ते। चलिए माँ ब्लेसिंग दे दीजिए। चलिए देख लेते हैं कि माँ क्या कह रहे हैं आपको। पहला कार्ड ध्यान से देखिए, काली यंत्र के कार्ड को। ये काली यंत्र के कार्ड आपको बोल रहे कि देखो आपके शरीर में एक नया चैनल आए है, एक नया पावर आए है, एक नया ऑर्डर आए है। तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगा। स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जेस आप महसूस कर सकते हो, डरावने ड्रीम्स आप देख सकते हो, बहुत बड़े मतलब बहुत ही तगड़ा हेडेक आपका हो सकता है, सर चक्कर आ सकते हैं। क्यों हो रहा है ये? आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे जा रहे हो, कार्मिक बैगेजेस छूट रहा है, आप एक नए पर्सन में बदल रहे हो, आपके शक्ति बढ़ रहा है, आपके इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके विश्वास स्ट्रांग हो रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आपके पीठ पीछे स्पेल करने की कोशिश किया और माँ ने देखा कि जब तक ना माँ आपके कॉर्ड कटिंग करेंगे तब तक आपको इन सब से मुक्ति नहीं मिलेंगे। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, देखिए जाने अनजाने में हम लोग कुछ भी मिस्टेक्स करते हैं। आप बोल सकते हो कि दादा मैं तो कुछ भी नहीं किया मिस्टेक्स, तो भी क्यों मेरे साथ होता है? अब कुछ कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि कंसेंट्रेट ना करना ना कर पाना भी एक मिस्टेक है। तो मान लीजिए कि आप एक टाइम पे साधना कर रहे हो और सेम टाइम पे आपके फिजिकल नीड भी है, आपके घर कैसे चलेगा वो भी आप सोच रहे हो, रिलेशनशिप कैसा होगा, स्टडी कैसा होगा, तो ये सब चीज़ के लिए क्या करना पड़ता है, आप डिस्कनेक्टेड रहना पड़ता है। बट आप डिस्कनेक्ट नहीं रह पा रहे थे, इसीलिए माने क्या किया, कॉर्ड कट कर दिए, यानी कि आपको माए जगह पे बिठा दिया। तो आप देखोगे बहुत इंटेंस साधना करने का आपका मन होगा, हो सकता है कि आप बहुत तगड़े मेडिटेशंस करना स्टार्ट करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि मेडिटेशंस के टाइम पे आप साक्षात माँ को देख पाओगे, माँ को फील कर पाओगे, आपके अंदर में कुछ अनईजी सा फीलिंग होगा, कुंडलिनी जागरण हो रहा है। तो ये सब चीज़ क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ आपको अवेकन कर रहे हैं। तो आप अपने अवेकनिंग जर्नी को स्टार्ट किए हो और अवेकनिंग जर्नी को आप जब स्टार्ट करते हो तब आप अक्सर लोगों को कट ऑफ कर रहे हो, कोई जॉब को नो बोल रहे हो, जॉब पे रिजिग्नेशन दे रहे हो, या फिर फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि किस तरीके से आप अपने हीलिंग जर्नी को लेके आगे चलेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हीलिंग डायरेक्टली करना स्टार्ट कर दोगे, यानी कि लोगों के साथ मिलके करना स्टार्ट कर दोगे। या फिर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि सारे जो मुसीबतें हैं, सारे जो जड़ है, ये चीज़ आप माँ के हाथ पे दे रहे हो। हो सकता है आज आप अभी अभी पूजा किए हो या फिर प्रेयर्स किए हो, या फिर माँ आपके लाइफ में ऐसे कोई टैरो रीडर्स को भेज रहे हैं या फिर हीलर्स को भेज रहे हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से समझा देंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि माँ आपके अंदर वो एबिलिटीज़ को एक्टिवेट कर दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप खुद ही अच्छे से खुद को हील कर पाओगे, एंड ऑलरेडी अगर आप हील कर रहे हो तो आपकी हीलिंग जर्नी सक्सेसफुली हो रहा है। मेरे ख्याल से स्पेल रिमूव होना, नज़र उतरना, ये अगर आप रिसेंटली किए हो, या फिर अनअटैच मतलब कोई भी टॉक्सिक एनर्जी से आप अगर डिस्कनेक्टेड किए हो या फिर कॉर्ड कटिंग किए हो तो डेफिनेटली ये सक्सेसफुली आप कर पाए हो। रिसेंटली अगर आप कोई बुरे सपने देखे हो तो डैट मीन्स एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल, तो एक बहुत गंदा सा टफ साइकिल वो डिस्कनेक्टेड हो गया है आपके सोल डीएनए से। नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट कार्ड है सबशाना। वाओ वाओ वाओ, पॉजिटिव चेंजेस। देखिए एक चीज़, हमारे जो माँ है ना उसके कपड़े नहीं होते, क्यों? क्योंकि ये ब्रेव है, करेजियस है, इसके लिए इसके कोई कपड़े वपड़े का ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही एक शक्ति है। जब शक्ति आपके लाइफ में आती है तब आप सारी चीज़ों को भूल जाते हो। लिटरली जब भगवान को आप देखते हो तो आपको कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है कि मेरे पैसा क्या होगा, मेरा काम क्या होगा, क्या जॉब होगा। तो माँ आपको लिटरली बोल रहे कि डिसाइड कर लो क्या चाहिए आपको, माँ को चाहिए या फिर पैसा। अगर आप माँ को चाहिए तो डेफिनेटली रेडी हो जाओ कि जो भी स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ये सब असुर है, असुर।
इन लोगों को आप कट ऑफ करो, ये ऑब्स्टिकल्स को कट ऑफ करो और डिटरमाइंड रहो कि जो भी हो जाए माँ को आप छोड़ोगे नहीं, जो भी हो जाए अपने ड्रीम्स को आप छोड़ोगे नहीं, जो भी मुसीबतें आए आप कंटिन्यू करोगे। रात के 2 बजे हो या सुबह के 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करना होगा आपको। लिटरली बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से सतर्क हो जाइए। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा डिलेमा लेके चल रहे हो कि करेंगे या नहीं करेंगे। यस, आप सही समझ रहे हो, मैं आप ही को बोल रहा हूँ कि आपके मन में ऑलरेडी ये चीज़ हो रही है कि आपको टैरोट करना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए, बट आप समझ में नहीं आ रहे कि कैसे। ये मैसेज आपके लिए है कि जो आपके मन में इतना कुछ चल रहा है ना, इसको कट ऑफ करो और स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो, पॉजिटिविटी को आगे लेके जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, ये टैरो रीडिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं है या फिर कोई एक अलग किस्म के ट्रेड नहीं है। टैरो रीडिंग एक ऑकल्ट, एक डीप ऑकल्ट जर्नी है और इस जर्नी में बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, तभी ये पूरे ब्रह्मांड एक पॉजिटिव ऊर्जा ले पाएंगे, तभी ये ब्रह्मांड को बहुत आसानी से ये ब्रह्मांड लड़ पाएंगे नेगेटिविटी के विरुद्ध। तो लिटरली मैं आपको कॉल कर रहे हैं इस कार्ड से कि अभी अगर आप सोच रहे हो कि आपको हीलिंग आता है, अगर आप इंट्यूटिव हो, अगर आप चाहते हो कि यस आपको लोगों को मदद करना चाहिए, आपके पास कैमरा है या फिर कैमरा छोड़ दो, टैरोट तो है, इनसे मेडिटेट करना स्टार्ट करो, माँ से प्रेयर करना स्टार्ट करो, मदद करना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिक आपको माँ डायरेक्शन दे देंगे। लिटरली जो आपके साथ कुछ मांग रहे हैं इन लोगों को, मतलब अनदेखा मत करो। लोग अगर कुछ कह रहे हैं इस चीज़ को सुनो, उनके पेन को एक्सेप्ट करो, उनके पेन को अब्जॉर्ब करो। आप एक हीलर हो तो डरो मत। ये हीलिंग जर्नी में आप जो डर रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप प्रोटेक्टेड हो। सिर्फ विश्वास माँ के ऊपर रखो और आगे बढ़ते जाओ। डीप रूटेड हीलिंग एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट हुए हैं और इसमें स्पिरिट्स आएंगे, डीमंस आएंगे, नेगेटिव चीज़ें आएंगे, बट आपको उन लोगों से उन लोगों को कट ऑफ करना है। एक चीज़ मैं बोलूँगा, माँ आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के हिसाब से देख रहे हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तो इस टाइम पे अगर आप बोलोगे मेरे लाइफ में इतना कुछ हो रहा है कैसे, ये तो होना ही था, नहीं तो आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? ऑब्स्टिकल्स तो आना ही था, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितना डिटरमाइंड हो? खुद के ताकत को समझो, खुद के शत्रु को पहचानो और बहुत ब्रेवली इन शत्रुओं के खिलाफ एक युद्ध आप स्टार्ट करो। बहुत हो गया एब्जॉर्बेशंस, मतलब इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब आप कर रहे हो, करते करते ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत नेगेटिव हो जा रहे हो और आपका एनर्जी ड्रेन हो रही है। चैनलाइज करना होगा नेगेटिविटी को, आप ले रहे हो, इस नेगेटिविटी को छोड़ दो थ्रू योर प्रेयर्स मंत्रा, एंड यही नेगेटिविटी को आप एक पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करो। कैसे? मंत्रा से, प्रेयर से, डेली प्रेयर से, डेली मैनिफेस्टेशन से, डेली अफर्मेशन से। नेगेटिव सोच मन में मत सोचो एंड लिटरली दूसरों के लिए भी अच्छा कुछ सोचो। भला ये तुमको छोड़ के गया है या फिर कोई पर्सन तुमको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है, वो उनका कर्मा है, तुम्हारा नहीं। उनके जैसे मत सोचो, आप अनकंडीशनली प्रे करो एंड एक ही चीज़, माँ के ऊपर विश्वास करो, एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे, एक नेगेटिव सिचुएशन पॉजिटिव सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये हो सकता है कि सेपरेशंस ख़त्म हो रहा है, हो सकता है कि जॉब लॉस हुआ था आपका, जॉब मिल रहा है, हो सकता है पहला बिजनेस स्टार्ट करोगे, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे, जो भी है ये अटैचमेंट को हटाओ। ये जो आपके आपको यू नो सब चीज़ को पकड़ के रखने का जो ये बीमारी है इसको भूल जाओ। यही आपके मेन डिसअपॉइंटमेंट है। जब भी आप कोई चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हो वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाते हैं। तो बेटर यही है, सारी चीज़ों को ऐसा टेम्पररी देख लो और माँ के ऊपर छोड़ दो। जिसको जिस टाइम तक रहना है वो उस टाइम तक रहेगा, अगर परमानेंट रहना है तो परमानेंट भी रहेगा। आपको उतना ज़्यादा स्पेकुलेशंस करने का कोई ज़रूरत नहीं, आपको माँ एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे। चलिए देख लेते हैं और क्या कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पे थर्ड कार्ड यानी कि फाइनल कार्ड आ रहे हैं, काली कपाली। माँ आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ इस लाइफ टाइम में नहीं, इस लाइफ टाइम से लेकर दूसरे लाइफ टाइम पे हर वक्त माँ आपको मदद करेंगे, हर वक्त माँ आपको लीड करेंगे। माँ आपके गाइड है, माँ आपकी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, माँ आपके ब्लड पे है, माँ आपके शरीर पे है और माँ आपके दिमाग में है, माँ आपके सोल में है। तो इसीलिए ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को एक्सेप्ट करिए। लोग क्या बोल रहे हैं, लवर्स क्या बोल रहे हैं, मैजिकल पावर्स सच होता है कि नहीं, ये सब चीज़ों के बीच में मत जाइए।
आपका विश्वास है, उस विश्वास के साथ पूजा करते रहिए, प्रे करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। भले आप कोई भी रिलीजन में क्यों ना हो, अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो तो यूनिवर्स वो चीज़ आपको देंगे। बट जब तक ना आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हो या फिर जब तक ना आप उसके चीज़ के जैसे बन जाते हो, तब तक वो नहीं देंगे। तो मैं आपको बोल रहा कि स्ट्रांग आप हो जाओ। जैसे ही आप स्ट्रांग हो जाओगे, माँ खुद आपके सामने आके वो चीज़ बोलेंगे। सिद्ध लाभ आप कर सकते हो, साधना कंप्लीट कर सकते हो, बट अपना डर से मत भागो। डर का पीछा करो एंड डर को हटाओ अपने लाइफ से। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा जय माँ काली 1111। इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड ऑलवेज मैं यही बोलता हूँ, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, फेक स्कैमर पीपल से हटो। मेरा कोई चैनल पार्टनर नहीं है, मेरा एक ही चैनल है ये यूट्यूब चैनल, मेरा एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है और एक ही फेसबुक पेज है, जो जिसका लिंक मैं इस चैनल के लिंक में मैं ऑलरेडी मेंशन किया हूँ, वहाँ से मेरे चैनल को फॉलो करो। पर्सनल रीडिंग का बात है, मैं उतना ज़्यादा रीडिंग नहीं करता हूँ। अगर मैं एनर्जी फील करूँगा तो मैं आपको बोल दूंगा, मैं पहले रीडिंग करूंगा उसके बाद पैसा लूंगा, एंड वो है 599। ओके,